अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 के कॉनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कॉनिक सेक्शन में सर्कल की इक्वेशन को डिस्कस किया, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और हाउ टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बाय गिविंग डिफरेंट कंडीशंस। तो आज कॉनिक सेक्शन के सेकेंड पार्ट में हम टेंजेंट्स और नॉर्मल को डिफाइन करेंगे। फिर टेंजेंट्स और नॉर्मल की डेफिनेशन के बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल थ्रू द सर्कल। फर्दर हम इसमें टेंजेंशियल डिस्टेंसेस को भी डिस्टेंस को डिफाइन भी करेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टेंजेंट क्या है। अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि एक सर्कल है। सर्कल के जो आपके पास टेंजेंट है वो आपको रेड लाइन शो हो रही है। दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अ टेंजेंट ऑफ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। कट का मतलब है कि उसका टू पॉइंट्स के ऊपर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, लेकिन टच जो टेंजेंट है वो सिर्फ ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल जो होगा वो आपका टेंजेंट कहलाएगा। क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास। हम क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट ड्रा करने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने से पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास। जो भी क्वेश्चन ऑफ सर्कल है आपने उसका डेरिवेटिव अगर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। और जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जहाँ पे टेंजेंट जो है टच कर रही है सर्कल को, ये पॉइंट जो है वो इसको इस पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल के इसका पॉइंट को हम एक्स वन वाई वन कह देते हैं, तो इस पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे। हेयर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो वी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन, क्यों वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। सो इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने जब एट एक्स वन वाई वन लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स पे एक्स वन एंड वाई की जगह पे हम वाई वन पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा दिस वन, जो कि आपके पास क्या है माइनस एक्स वन प्लस जी ओवर वाई वन प्लस एफ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाया है कि ये पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है, ये आपके पास टेंजेंट है। और इसकी इक्वेशन हम ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि आपने चैप्टर फोर में भी आपने ये किया हुआ है कि आपको अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप आपको दी हुई है तो आप स्लोप ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट आपके पास गिवन क्या है एक्स वन वाई वन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन आपके पास ये है, यानी ये आपके पास एम है और ये आपके पास पॉइंट पी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन यानी एम, एम की जगह पे माइनस एक्स वन प्लस जी ओवर वाई वन प्लस एफ एंड एक्स माइनस एक्स वन। इसको सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से आप फर्दर देखेंगे कि आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है x x1 plus y y1 plus g x plus f y1 f y plus g x1 plus f y1 plus c is equal to this one adding both side by this। ये हमने इसको दोनों साइड पे ऐड करने से आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये आ जाएगी। इसको आप डायरेक्ट जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जब आपको गिवन पॉइंट दिया हो तो आप इसमें डायरेक्ट एक्स वन वाई वन की वैल्यू पुट करके भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल क्या है। नॉर्मल को डिफाइन करने के लिए आपको ये फिगर को देखना होगा। टेंजेंट रेड लाइन को शो कर रही है और नॉर्मल इज ग्रीन लाइन। तो नॉर्मल क्या है, क्या होता है नॉर्मल, जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन। तो ये आपके पास यहाँ पर 90 एंगल बनाना चाहिए टेंजेंट के साथ, जो भी लाइन 90 एंगल बनाई टेंजेंट लाइन के साथ वो नॉर्मल कहलाती है। तो इसकी इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी भी स्लोप पता चलेगी पता होनी चाहिए और पॉइंट तो वही है जो आपके पास गिवन है जो कि एक्स वन वाई वन है।
तो स्लोप आपको अगर टेंजेंट की स्लोप आपको अगर आती है तो नॉर्मल की स्लोप निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकाला है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वाई वन प्लस एफ ओवर एक्स वन प्लस जी। तो गिवन पॉइंट आपके पास है, स्लोप अब आपके पास ये है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो या क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, दोनों केसेस में आपके पास फार्मूला मौजूद है। आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकती हैं और आप इसको कैलकुलेट कर भी कर सकती हैं। जैसे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और साथ आपको 0.43 भी दिया हुआ है और एक और 0.5 cos थीटा 5 sin थीटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें इक्वेशन आपको सर्कल की दी हुई है, एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू 25। तो जब आपको इक्वेशन दी हो तो बेहतर है कि आप इसमें से पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, पॉइंट आपको दिया हुआ है उसी तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म से की को यूज करते हुए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, जो कि आपके पास क्या है, माइनस एक्स ओवर फाइव। लेकिन आपने किस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, जो कि आपके पास गिवन है 4 3, एक्स वन वाई वन की जगह पे आपको 4 3 गिवन है। तो डी वाई बाई डी एक्स 4 3, आप इसके एक्स यहाँ पे 4 एंड वाई की जगह पे 3 पुट करेंगे तो -4/3 आपके पास स्लोप आ गया। अब आपको स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन पुट करके, तो आपके पास ये स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास फाइंड आउट होगी। अब आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब फाइंड आउट करनी है एट दिस पॉइंट 4 3, तो आपने जो स्लोप दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, यानी -1/m, -1/-4/3, तो आपके पास आ जाएगा 3/4। सो स्लोप अब आपके पास 3/4 है, पॉइंट आपको दिया हुआ है जो कि 4 3 है, तो वही पॉइंट स्लोप फॉर्म आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ी थी उसमें पुट करके आप इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस तरह से कैलकुलेट होगी। अब अगर आपको दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 3 की जगह पे, अब आपको 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा गिवन है, तो सेम प्रोसीजर है। अब आपने 0.43 की जगह पे आपने 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा पुट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लें, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अब आपको पॉइंट जो है वो 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा दिया, यानी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज इकट्ठी पुट करके तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए भी आपने ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, बाकी आपके पास वही पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए आप इसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, 3x² + 3y² + 5x - 13y - +2=0। इसमें आपके पास क्या है कि आपने इसके भी इस इसका भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। पॉइंट आपको दिया हुआ है जो कि आपके 1 10/3 है। तो जनरल इक्वेशन जब भी आपको फॉर्म दी हो तो आपने पहले फॉर्म बनानी है, और उस जनरल फॉर्म में क्या होता है कि आपको x² और y² की कोफिशिएंट शुड बी 1। तो ये 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। यहाँ पे कंपैरिजन से आप जी एफ और सी जो कि पहले सेक्शन जो मैंने कौन सेक्शन में आपको पहला पार्ट जो आपको बताया था उसमें आप ये काम कर चुके हैं, यहाँ से जी एफ और सी की वैल्यूज निकालिए, फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, इसमें आप वैल्यूज पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप क्या करेंगे, सेम आपको जो आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्राइव की है वहां पे एक्स वन वाई वन जी और एफ की वैल्यूज पुट करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जी भी जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 6.2 एक्सरसाइज का, इसमें भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट निकालनी है। एट द पॉइंट ऑन द सर्कल हुज एब्सिसाइज -4। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, हमें स्लोप पता होना चाहिए और हमें पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे बेसिक पॉइंट है कि हमें किस पॉइंट पे आपने टेंजेंट निकाल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और किस पॉइंट पे आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो अगर आपको पॉइंट गिवन नहीं है तो इट मीन्स कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा क्वेश्चन में, और एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एब्सिसा दिया हुआ है जो कि -4 है। एब्सिसा क्या है कि आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है, ऑर्डिनेट होता तो वाई की वैल्यू होती, ये भी आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं।
एक्स की वैल्यू माइनस फोर अगर गिवन है और इक्वेशन में सर्कल वी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स को इक्वल टू माइनस फोर पुट करके हम वाई की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, दो पॉइंट आ जाते हैं, एक्स की वाई की दो वैल्यूज हैं, इसका मतलब है एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यूज हैं, तो हमें टू पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक माइनस फोर माइनस वन बाई टू और सेकेंड पॉइंट हमारे पास है माइनस फोर एंड माइनस अलेवन बाई टू। अब इन टू पॉइंट्स के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी निकालनी है और नॉर्मल भी निकालनी है, इसका मतलब है टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपके फाइंड आउट होगी और टू ही आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब आप क्या करेंगे, आपको इसने आपने जनरल इक्वेशन जो इसकी आपके पास थी उसको आपने पहले फॉर्म बनाई, यानी फोर पे डिवाइड करने से आपके पास ये बन के, यहाँ से वही कंपेरिजन कीजिए, जी निकाला, एफ निकाला और सी निकाला। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके एक्स वन वाई वन और जी एफ की वैल्यू पुट करके, या पहले आप एक्स वन वाई वन में ये पॉइंट पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी, सेकंड पॉइंट पुट करके तो सेकंड आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो आपने यहाँ स्लोप जो भी आपने फाइंड आउट करना है आप उसको माइनस वन बटे, या आप स्लोप वाली फॉर्म से नहीं, या तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट लिखें जो कि आप फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, उसमें आप एक्स वन वाई वन जी और एफ और सी की वैल्यूज पुट करके आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसका थ्योरम पहले वन हम करेंगे इसके 6.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हम जैसे जैसे थ्योरी करते चले जाएंगे वैसे ही इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 6.2 के हमने टू क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड थे। अब हम थ्योरम वन की तरफ जाते हैं। The point PX1Y1 lies outside on or inside the circle. तो अब आपने इस थ्योरम में हमें ये है कि आपको कोई पॉइंट दिया हो सर्कल के आउटसाइड द सर्कल, जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है ए, ऑन द सर्कल जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है सी, और बी इज लाइज इन साइड द सर्कल। तो आपको गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दी हो तो आपने किस तरह से बताना है कि जो गिवन पॉइंट है वो लाइज आउटसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है और इनसाइड द सर्कल है। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ये दी हुई है, इसमें जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है आप सिंपल उसमें पुट करेंगे और देखेंगे अगर ग्रेटर देन जीरो आए आंसर देन इट देन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। इफ बाय पुटिंग द पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वी गेट इक्वल टू जीरो देन द पॉइंट डेफिनेटली लाइज ऑन द सर्कल विच इज सी, एंड व्हेन वी पुट द पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड द वैल्यू इज लेस देन जीरो देन द पॉइंट लाइज इन साइड द सर्कल। तो इसका प्रूफ कैसे है, रेडियस आर ऑफ द गिवन सर्कल इज, आपको ये फार्मूला पता है, आप ड्राइव कर चुके हैं कि आर इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी अंडर रूट। द पॉइंट आपने जो भी गिवन पॉइंट है एक्स वन वाई वन लाइज आउट साइड और ऑन साइड ऑन आर इन साइड द सर्कल अकॉर्डिंग एज कि इसका जो रेडियस है सी पी यानी सी और सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट है इसका डिस्टेंस जो है अगर ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन आर होगा तो फिर वो ए की पोजीशन होगी, अगर ऑन इक्वल टू आर होगा तो सी की पोजीशन होगी, अगर लेस देन आर होगा तो बी की पोजीशन होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज पुट करके तो अकॉर्डिंग एज ग्रेटर देन आर और इक्वल टू आर और लेस देन आर पुट करके तो आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है, इसको आप इस साइड पर ले जाएंगे तो आप एक सिंपल इक्वेशन आपका सर्कल ही बन जाती है जो कि आप इसमें डायरेक्ट पॉइंट पुट करके तो आप ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो से हम पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन देखें कि आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल वन देखें, डिटरमिन वेदर द पॉइंट पी माइनस फाइव सिक्स लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्कल। क्वेश्चन आपको सर्कल आपको दी हुई है, पॉइंट आपको गिवन है, सिंपल क्या करेंगे एक्स यहाँ पे माइनस फाइव एंड वाई इज इक्वल टू सिक्स पुट करके तो हम इसका आंसर निकालेंगे जो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 25 प्लस 36 माइनस 20 माइनस 36 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 7 व्हिच इज लेस देन 0 व्हिच इंप्लाइज दैट द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन 6.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 देखें, चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट 5 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशंस आपको एक तो आपको ये पॉइंट और आपको यानी आपका जिसका में सेंटर जो है सर्कल का वो ओरिजिन पे है कि यही सर्कल की इक्वेशन, और एक आपको जनरल फॉर्म दी हुई है जो कि आपको खुद बनानी भी है। तो यहाँ पे आप पॉइंट पुट करें एक्स जगह पे फाइव और वाई की जगह पे सिक्स पुट करेंगे तो लेस देन जीरो आंसर आता है, विच मीन्स के जो आपके फर्स्ट पार्ट है इसमें जो सर्कल है सर्कल पे जो आपके पास पॉइंट जो दिया हुआ है वो लाइज इन साइड द सर्कल विच इज लेस देन जीरो।
सेकेंड पार्ट में आपको जनरल फॉर्म इक्वेशन की बनानी है, देन आपको x की जगह पे 5 एंड y इज इक्वल टू 6 पुट करते कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आंसर आता है, विच मीन्स द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल. थ्योरम सेकेंड देखिए, यहाँ पे क्या है, द लाइन y इज इक्वल टू mx plus c, विच इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं. Intersect the circle x square plus y square is equal to a square at the most two points. देखा जी, अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि वो सर्कल को मैक्सिमम टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है. तो यहाँ फिगर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है कि या तो पॉइंट ये लाइन इस तरह है जो कि सर्कल का कहीं पर भी कट नहीं कर रही, ना टच कर रही है ना कट कर रही है, इज अ टेंजेंट लाइन जो कि एक पॉइंट पे कट करती है, और अगर हम इसको लाइन को आगे काटें तो ये सीकेंट बन जाती है जो कि आपको मैक्सिमम टू पॉइंट्स पे कट करती है, जिस तरह आप ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पे फिगर में भी नजर आ रहा है, एक पॉइंट कटिंग पॉइंट आपका ये है और दूसरा कटिंग पॉइंट आपका ये है, यानी टू पॉइंट पे ये कट कर सकती है, तो मैक्सिमम टू ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को. तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे हमने प्रूफ करना है. तो ये देखें प्रूफ, इट इज नोन फ्रॉम प्लेन ज्योमेट्री दैट अ लाइन कैन मीट अ सर्कल इन एट द मोस्ट टू पॉइंट्स एज शोन इन फिगर. टू प्रूव इट एनालिटिकली वी नोट दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन y इज इक्वल टू mx plus c इंटरसेक्ट द सर्कल दिस. देखिए, हमने अगर आपने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं तो पॉइंट्स क्या होते हैं, x और y के फॉर्म में होते हैं. तो y आपको गिवन है, y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में आ जाएगी, वहां से आपके पास पॉइंट जो है वो एक्स और वाई में निकाल सकते हैं. तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है ये देखिए, आर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन एंड टू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन टू. तो आपके पास ये इक्वेशन कौन सी आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में. जब आपके पास जो भी आपके पास x की हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही आपको x के आपके रूट्स इस इक्वेशन के मिलेंगे. तो आपके पास टू रूट्स आ सकते हैं x के, जो कि x1 और x2 के हो सकते हैं. दस द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट द मोस्ट टू पॉइंट्स फॉर नेचर ऑफ द पॉइंट्स वो एग्जामिन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थ्री. एंड यहाँ तक तो आपको पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू मिल सकते हैं, यहाँ तक आपका थ्योरम प्रूफ हो जाता है बेसिकली. आगे अगर वो आपसे ये मजीद पूछे कि इसके किस तरह के रूट्स होंगे, किस तरह की इसकी नेचर होगी, तो आप नेचर के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वहाँ से आपके पास आप इसको नेचर बता सकते हैं कि अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो, आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आए तो कोइंसिडेंट रियल एंड कोइंसिडेंट होते हैं, और इमेजिनरी होते हैं इट इज लेस देन जीरो. तो इट आपका जो है नेचर ऑफ रूट्स भी निकालने होंगे किस पॉइंट्स के, तो वो आप इसको इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन दैट द लाइन मे बी टेंजेंट टू द सर्कल. अगर आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी हो कि लाइन जो है वो सर्कल पे टेंजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पे दो बातें गिवन होंगी, एक तो आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी और एक आपको सर्कल की इक्वेशन. तो आपको मैंने यहाँ पे फिगर में भी दिखाया है कि लाइन जो है वो टेंजेंट कब हो सकती है. एज शोन इन फिगर, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज जीरो जीरो एंड पी एक्स वन बाय वन इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टच इज द सर्कल एट द पॉइंट पी एक्स वन बाय वन. अगर आपको लाइन की इक्वेशन पता है जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और टेंजेंट की जो सर्कल की इक्वेशन पता है जो कि आपको सेंटर पे अगर सर्कल हो ओरिजिन हो सेंटर पे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. मीन मैंने यहाँ पे रेडियस को a लिया तो इक्वल टू ए स्क्वायर. तो अगर हमें टेंजेंट देखना हो कि ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल पर टेंजेंट है, देन सी पी शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. सी पी अगर हम इसके डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के, ए स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी आर के इक्वल आना चाहिए. तो देन इट मस्ट बी द टेंजेंट टू द सर्कल. तो इसके लिए क्या है, द लाइन वन इज टेंजेंट टू द सर्कल टू इफ इट मीट द सर्कल एट वन पॉइंट इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू दिस वन. तो ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल से ही कंडीशन फाइंड आउट होती है. तो अब इसको हम देखते हैं कि आगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं. सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन.
एंड द सर्कल दिस आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस. इस लाइन का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस सर्कल पे. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताती हूँ. देखिए ये आपके पास बन रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन रहा है कॉर्ड का और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, यानी एक पी और एक क्यू. हमने करना क्या है कि इन दो पॉइंट यानी पी और क्यू के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, यही ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन. जबकि इस लाइन की इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, 2x plus y is equal to 5. और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0. पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो फिर आप ये जो कॉर्ड है ये पी क्यू असल में कॉर्ड है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है. तो पी क्यू कॉर्ड की अगर आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उसको लेंथ तो आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू. तो उसको तरीका वही है जो मैंने इससे पहले अभी डिस्कस किया था कि यहाँ से y की वैल्यू आप निकालिए. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2x. और इक्वेशन आप सर्कल में पुट करेंगी तो आपके पास x में इक्वेशन आ जाएगी. देखिए y इक्वल टू 5 माइनस 2x, यहाँ से y की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन में पुट की, इक्वेशन आप सर्कल में, तो आपके पास ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. और यहाँ से आपको x की टू वैल्यूज मिली, एक आपका रूट मिला 2, एक 8/5. तो x की वैल्यू अगर 2 हो तो y इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 8/5 देन x y इज इक्वल टू 9/5. इन दिस वे वी गेट द टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट व्हिच इज p 2/1 एंड q 8/5 एंड 9/5. ये टू पॉइंट्स अगर आपके पास कैलकुलेट हो जाए तो आप इनका इनके द्वारा डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पी क्यू डिस्टेंस फार्मूले से 8/5 माइनस 2 होल स्केयर प्लस 9/5 माइनस 1 होल स्केयर अंडर रूट. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/√5. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू 2/√5. थ्योरम आपका नंबर 3 आपकी बुक के ऊपर है, हम उसी को डिस्कस करते हैं. इसमें क्या है, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन. द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्कल. सबसे पहली बात तो ये कि एक सर्कल पर मैक्सिमम हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखें किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो सर्कल ये आपको फिगर में नजर आ रहा है. तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमने कोई एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वन वाई वन, तो यहाँ से मैक्सिमम टू ही आपके पास टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं. एक पी टी वन आपको, जो कि आपको सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, और एक पी टी टू. तो टू ही टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट है टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो टेंजेंट्स को अगर ये शो करना है कि रियल है तो आपके पास जो पॉइंट है वो लाइज आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए. डेफिनेटली यस, आपको यहाँ पे रियल की आपको फिगर नजर आ रही है. अगर ऑन द सर्कल आपके पास है तो फिर आपके पास जो आपके पास टेंजेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगी. कोइंसिडेंट, डिस्टिंक्ट एंड कोइंसिडेंट, यानी दोनों आपकी फॉर्म्स बनेंगी. इमेजिनरी उस वक्त होगा जब आपका पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करेगा. तो इसको अभी हम प्रूव करते हैं कैसे. देखिए हमने जितने भी प्रूफ यहाँ पे कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने सर्कल की इक्वेशन ली थी जो एट द जिसका सेंटर एट द पॉइंट ओरिजिन पे है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है इसमें सर्कल की इक्वेशन की. तो ये भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है हैविंग रेडियस ए एट सेंटर ओरिजिन. तो ये अपने ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. इज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम इफ पासिस थ्रू द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन. तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट जो भी आपको गिवन है एक्स वन वाई वन, जो आपको आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल पॉइंट है या ऑन द सर्कल है, वो अपने पॉइंट आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करके तो आपके पास ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एम में. गिव्स टू वैल्यूज ऑफ एम एंड सो देर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी एक्स वन वाई वन टू द सर्कल. दीज टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट और imaginary according as the roots of two are real and distinct, coincident or imaginary. तो आपने इसको बिल्कुल वही रूल
ग्रेटर देन जीरो हो तो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो की फॉर्म में आपने ये पॉइंट को देख लेना है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पॉइंट है वो आप जिनसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइज आउटसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है और इनसाइड द सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन आपके पास यही है जो आपको गिवन दी होगी। इसको देखिए, थ्योरम के बाद हम एग्जांपल थ्री को डिस्कस करेंगे जिसमें टेंजेंट ही हम ने इक्वेशन निकालनी है टू टेंजेंट्स की। राइट इक्वेशंस ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम टू थ्री, यहाँ पे पॉइंट आपको पी एक्स वाई जो है पी जो है वो एक्स वन वाई वन जो है टू थ्री दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, जहाँ पे रेडियस आपको नाइन है, तो आपने टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है फ्रॉम पॉइंट टू थ्री। तो एनी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल आपको ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपने इसमें क्या पुट करना है, सिंपल एक्स की वैल्यू और एक्स और वाई जो आपको गिवन पॉइंट है, एक्स की यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री पुट करके, तो आपने एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी और एम की आपको टू स्लोप्स मिली, यानी एम मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज एम इज इक्वल टू जीरो एंड एम इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ से जब आप इसकी इक्वेशन इंटरसेक्ट इंसर्टिंग दीज वैल्यूज ऑफ एम इनटू इक्वेशन 1, वी हैव इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 2 3 टू द सर्कल एज एम इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, तो वाई की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है, एम को -12 और 5 पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है, जो कि एक आपके पास वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास जो है वो आ जाती है 5y + 12x - 39 = 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टोटल कितनी फाइंड, आपने टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास एक आपके पास ये निकली और सेकेंड आपके पास ये। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, एग्जाम्पल फोर आप कैलकुलेट देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल फोर हमें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल फोर में भी आपने क्या कैलकुलेट करना है, राइट इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो टेंजेंट टू द सर्कल आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि सर्कल की इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है एट द पॉइंट्स ऑन द सर्कल हुज ऑर्डिनेट इज -2। देखिए अगेन आपका हम इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हुए हैं एक्सरसाइज 6.2 में भी, कि उसमें आपको एब्सिसा दिया हुआ था यहाँ ऑर्डिनेट। देखिए हम जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो आपको एक स्लोप पता होना चाहिए और एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए, तो इक्वेशन तो आपको दे दिया, यहाँ से आप इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। पॉइंट के लिए आपको ऑर्डिनेट दे दिया, यानी वाई इज इक्वल टू -2 दे दिया, तो आप इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में पुट करके तो आप एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा। देखिए वाई इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आपको क्या मिला, पॉइंट आपको मिल गया, जो आपके पास द पॉइंट इन द सर्कल विद ऑर्डिनेट -2 आर, तो आपके पास टू पॉइंट्स मिल गए। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू 1 एट दिस पॉइंट्स आर, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डायरेक्ट पुट करके ये पॉइंट्स, तो आप इसकी टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकती हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास टू कौन कौन सी है, एक आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई और सेकेंड आपके पास दिस वन, टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड आउट कर ली। तो आगे देखते हैं कि हमारी एग्जांपल 5 में क्या है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन टू द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 50 टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है, जॉइंट इक्वेशन निकाली, इसका मतलब है जॉइंट इक्वेशन का हम एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास टू टेंजेंट्स ड्रॉ भी हो रहे हैं तो हमने टू टेंजेंट्स की हमने जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने जॉइंट इक्वेशन आपने मेरे ख्याल में चैप्टर सेकंड की लास्ट एक्सरसाइज में भी आपने जॉइंट इक्वेशंस निकाली थी, लेकिन बहरहाल हम इससे यहाँ पे टेंजेंट्स इक्वेशन की जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेट पी एच के बी एनी पॉइंट ऑन ईदर ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए 50 टू द गिवन सर्कल 1, इक्वेशन पी ए इज दिस वन। यानी क्या है कि हमारे पास जिस पॉइंट्स, एक तो पॉइंट आपके पास ये है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि लेट पी एच के बी एनी पॉइंट ऑन ईदर ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 50। देखिए ये पॉइंट वो है जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो पी एच के हमारे पास कोई पॉइंट है जो जहाँ जिसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो यहाँ से आप इसका पी ए का अगर आप इक्वेशन निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई -y1 और इक्वल टू
वाई वन आपने क्या लिया, आपके पास एक्स वन वाई वन आपके पास पॉइंट जो है वो ए है, और आपने जो स्लोप निकालनी है वो इसी की स्लोप निकालनी, क्या हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ से स्लोप निकल आई और पॉइंट आपने 5 0 ले लिया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये किसकी इक्वेशन है, पी ए की इक्वेशन है, ठीक है। Since two is tangent to the circle one, ये two आपके पास tangent की equation आ गई जो कि इस circle के ऊपर tangent है। The perpendicular distance of two from the center of the circle equals the radius of the circle। तो definitely हम यहाँ से अब क्या find out करेंगे, joint equation के लिए हमने ये rule adopt करना पड़ेगा। PA आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि टू इज टेंजेंट टू दिस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने किससे निकालना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो आपको यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस ऑफ द फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल निकालेंगे इज इक्वल टू 3 आर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई, दस एच के लाइज ऑन द सर्कल दिस वन। तो यहाँ पे आपने एच और के की जगह पे आपने एक्स और वाई यहाँ पुट करके तो आपने क्या किया, बट एच के इज एनी पॉइंट इधर ऑफ द सर्कल ऑफ द टू टेंजेंट्स एंड सी इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट। हमने एच और के की जगह पे एक्स वाई पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जॉइंट इक्वेशन बन जाएगी ऑफ टू टेंजेंट्स की। तो ये आपने स्टेप बाई स्टेप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व, जिस तरह से क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में नहीं होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी आपने टेंजेंशियल डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। लेट पी एक्स वाई एक्स वन वाई वन बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है। वी नो दैट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट भी, हमने पहले भी कंडीशन में भी डिस्कस किया कि अगर आपके पास जो टेंजेंट हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो पॉइंट जो है वो लाइज आउटसाइड द सर्कल होगा जहाँ से टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ हो रही होंगी। इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स विद द सर्कल आर एस एंड टी देन ईच ऑफ द लेंथ पी एस एंड पी टी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट और टेंजेंशियल डिस्टेंसेस। तो अब आप यहाँ पर इसको एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल 6 में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी माइनस 5 10 टू द सर्कल। पहले हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली, यानी टेंजेंशियल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो जो भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दी हुई है जनरल है तो आपको जनरल फॉर्म का कंडीशन को सेटिस्फाई पहले करना है, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, देन आपने आगे प्रोसीजर करना है। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की फॉर्म बन गई। नाउ अब आपने करना क्या है कि आपको गिवन पॉइंट क्या है माइनस 5 एंड 10, स्क्वेयरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 5 माइनस 5 10 टू द सर्कल 1 इज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटिंग माइनस 5 फॉर एक्स एंड 10 फॉर वाई इन द लेफ्ट हैंड नंबर ऑफ 1 1 के आप अपने यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो आपके पास क्या बन जाती है equal to 133 under root। तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके तो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ आपने फाइंड आउट होगी। इस तरह से एग्जांपल 7 देखिए, राइट इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल दिस ड्रॉन फ्रॉम दिस आल्सो फाइंड टेंजेंशियल डिस्टेंस। अब आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और टेंजेंशियल डिस्टेंसेस भी फाइंड आउट करना है। एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू माई पी माइनस 1 2 हैविंग स्लोप एम इज, ये आपको पॉइंट अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे वाई माइनस वाई वन क्या है 2, एम आपके पास स्लोप है और एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे हमारे पास माइनस 1, तो माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। सेंटर ऑफ द सर्कल आपके पास यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है, जी निकालें एफ निकालें और यहाँ से आप माइनस जी माइनस एफ करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा। देखिए जब आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दिया हो तो आप रेडियस भी यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली और आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली इसका सेंटर ऑफ द सर्कल भी निकाल सकते हैं। आपने एग्जाम्पल 6 में भी ऐसे ही किया है। तो यहाँ से आपने सेंटर निकाला यानी माइनस जी माइनस एफ निकाला, रेडियस भी आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि आपके पास अंडर रूट 5 है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, If one is tangent to the circle,
देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. देखिए टेंजेंट लाइन आपकी इक्वेशन वन थी. अगर ये सर्कल पे टेंजेंट है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल आना चाहिए, जो कि आप फाइंड आउट कर चुके हैं. तो फ्रॉम सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट लाइन आपने वही फार्मूला यूज किया, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, जो कि आपने चैप्टर फोर में ये फार्मूला पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. तो इसमें पुट करके आपने ये निकाला और यहाँ से आपके पास एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और यहाँ से आपके पास स्लोप्स टू स्लोप्स आ गए, एक माइनस टू एक वन ओवर टू. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपने एम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट कर ली, जो कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है और सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या आ गई, दिस वन. तो टेंजेंशियल डिस्टेंस आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंशियल डिस्टेंस, इस तरह के आपने इससे पहले आपने वहां डिस्कस किया है, वहां से आपने अंडर रूट फाइव क्या किया, वन प्लस फोर माइनस फोर प्लस आर, तो ये आपके पास अंडर रूट फाइव आपके पास आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जांपल एट. तो एग्जांपल एट में आपने क्या करना है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम माइनस थ्री फोर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 21. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कॉन्टेक्ट, द लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. तो कॉर्ड का मैं आपको पहले भी फिगर बना के बताई हुई है पीछे के, वो टू पॉइंट पे कट करती है तो उसको कॉर्ड कहते हैं. तो एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट माइनस थ्री एंड फोर टू द सर्कल. आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है जिसका सेंटर जीरो जीरो है और आपका रेडियस क्या है 21 अंडर रूट. तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यानी आपने कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं और फिर आपने उसकी कॉर्ड की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है. तो लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पॉइंट्स टू टेंजेंट्स बी पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू. इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपके पास वी हैविंग सेंटर जीरो जीरो, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में आपको बताया वो आपके पास आर के इक्वल जो कि ये है. एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू आपके पास, या आप क्यू का या पी पे आपने एक्स वन वाई वन पुट कर दिया और क्यू पे जब टेंजेंट निकालनी है तो सिंपल क्यू का पॉइंट यानी एक्स टू वाई टू पुट कर दिया, आपके पास 21 आ गई. सिंस वन एंड टू पास थ्रू माइनस थ्री एंड फोर, तो आपने एक्स की जगह पे माइनस थ्री और वाई की जगह पे फोर पुट करेंगे तो आपके पास ये थ्री एंड फोर आपके पास इक्वेशन आ गई. शो दैट बोथ द पॉइंट्स पी क्यू लाई ऑन दिस वन, so it is required equation of chord of contact. आपने equation of chord of contact आपकी जो है वो find out हो गई. Next आप देखें 6.2 exercise का question number 4, आपने अब इससे related इसकी यानी समझ गए कि इसकी application है जो आपने अभी theorem भी किया और examples भी की. Find chord of length of tangent drawn from point minus 5 4 to the circle this one. तो ये आपके पास इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, आपने इसको फाइव पे डिवाइड करके आपके पास इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास ये आ गई. नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी एक्स वन वाई वन इज, अब आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने निकालनी है तो आपने इसमें ये वाली आपने इसमें पुट करके एक्स वन वाई वन जो भी आपका पॉइंट है तो आपने ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, दिस इज इतने यूनिट्स. फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड कट अप फ्रॉम द लाइन This one by the circle x square plus y square is equal to 26. आपने length of chord निकालनी है तो उसके लिए भी आपका अभी हमने question भी example में किया है कि आपको जो line की equation दी हुई है वहाँ से आप x या y की कोई value निकाल के equation of a circle में put करेंगी तो second आपके पास put करने से आपके y की दो values आ जाएंगी, यहाँ से आपके पास two points आ जाएंगे, ये आपके पास intersecting point है chord के. ठीक है, तो यहाँ से आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, यानी आपने 5 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस विद द सर्कल दिस. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी आपने फाइंड आउट करना है प्रोसीजर वही है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है एक ऑर्डर, ये आपके पास आपके सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें या वाई की, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आपका सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, पूरी इक्वेशन या तो एक्स में आ जाएगी या फिर वाई में, वहां से आपके पास टू एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल आती है तो इस इक्वेशन पुट करके टू वाई की वैल्यू, तो आपके पास टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह से आ जाते हैं. तो ये आप इसको खुद सॉल्व कीजिए बिल्कुल पार्ट वन और पार्ट टू की तरह.
नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल हैविंग स्लोप m. अगर आपको स्लोप दी हुई है तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है सर्कल पे. तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप m आर दिस वन. देखिए इसके जितनी भी आपके पास पैरेलल अगर लाइन है, टेंजेंट के पैरेलल लाइन आपको दे दी हो, तो आप उसमें वहां से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी. यानी आपने जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, आपको टू आपको चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. नंबर वन स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड नंबर टू पॉइंट, पॉइंट जिसके ऊपर वो टेंजेंट ड्रॉ है. तो अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए तो आप उसको इजीली, और स्लोप दे दी जाए तो आप निकाल सकते हैं. या फिर आपको कोई लाइन, आपको कहेंगे जी आप इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें सर्कल की, और आपको एक लाइन दे दी जाए जो कि टेंजेंट जो है उस लाइन के पैरेलल हो, तो वहां से हम उसको इजीली स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कोई क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. नंबर 1 है पैरेलल टू द लाइन दिस वन. इसका मतलब है कि ये जो लाइन की इक्वेशन दी है ये असल में पैरेलल है किसकी, उस टेंजेंट की लाइन की पैरेलल है जो इस सर्कल के ऊपर है टेंजेंट. तो हम क्या करते हैं, इस लाइन में से स्लोप निकालेंगे क्योंकि ये पैरेलल है टेंजेंट के, लिहाजा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी यही होगी जो कि इस लाइन की स्लोप है. तो यहाँ लाइन की स्लोप y = mx + c की फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पे m क्या जो mx यानी x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाता है 1/2. तो यहाँ से आपके पास स्लोप, लाइन की स्लोप आपके पास 1/2 आ जाती है. तो चूंकि ये लाइन पैरेलल है टेंजेंट के, लिहाजा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 1/2 होगी. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, आपको ये अगर आप इक्वेशन आपको टेंजेंट की आती है, यहाँ सिंपल आप स्लोप पुट कर दें. तो आप यहाँ पे स्लोप पुट करेंगे, एक में आपके पास 1/2 आपकी इसकी स्लोप है, यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. तो इसका जो पार्ट टू है क्वेश्चन नंबर 7 का, परपेंडिकुलर होगा तो फिर आपके पास नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा इस लाइन की स्लोप का. तो क्या करेंगे, माइनस 1/2 दिस वन. तो यहाँ से स्लोप आपके पास अगर m आपको मिल जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर आपके पास क्या आ जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो -1/2 नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन. तो इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0, 5 to दिस एंड दिस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. तो बार बार हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, नॉर्मल निकाल रहे हैं, पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दी हुई है. तो प्रोसेस हमारा बेसिकली देखा जाए तो एक ही चल रहा है. पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको जो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दी हुई है पार्ट के फर्स्ट पार्ट में, उसका सेंटर 0, 0 पे है, ये मैंने फिगर में भी आपको नजर आ रहा है, और पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 0, 5. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो दी हुई है, यहाँ से रेडियस जो है आपको नजर आ रहा है 4 का स्केयर, यानी रेडियस इसका 4 है और सेंटर इसका 0, 0 है. लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट बी एम, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0, 5 इस पॉइंट पे. तो हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटरसेक्ट 1. तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास टेंजेंट आ जाती है पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 5. तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने m फाइंड आउट करना है, हमें m का नहीं पता. तो m को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई है, ये आपका अगर यहाँ ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम पॉइंट 0 to 4 to दिस लाइन जिसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, r के इक्वल, जबकि r हमें पता है. यहाँ से हमें m हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर देखें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 1 में है, हमने क्या निकालना है, m का हमें नहीं पता. इस देखिए 1 में हमें m हमारा अननोन है. m कैलकुलेट करने के लिए हमें जो जो चीज़ें गिवन है उनको हम यूज़ करेंगे. एक तो हमें ओरिजिन के पॉइंट का पता है, एक हमें रेडियस का पता है. तो हम क्यों ना हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू दिस लाइन विच इज इक्वल टू आर, आर का भी हमें पता है. तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, तो ये फार्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के फार्मूले से हम यहाँ पुट करके, तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है एम में. यहाँ से हमें एम की टू वैल्यूज मिल जाती है, प्लस माइनस 3/4, यानी एम इज इक्वल टू 3/4, एक एम सेकेंड एम की वैल्यू माइनस 3/4. तो यहाँ हमारे पास टू आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक है,
सेकंड पार्ट भी आपके पास ऐसी है, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, तो पॉइंट आपको दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, तो आपने इसके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से आप जी और एफ और सी की वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ से सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा, और यहाँ से जब सेंटर भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी। अब आपको सेंटर भी पता है, ये आपका पार्ट वन ही बन गया ना, सेंटर भी पता चल गया, रेडियस पता चल गया, और आपको ये पॉइंट पता है, यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसमें पॉइंट पुट करके, तो ये आपके पास, यहाँ से एम फाइंड आउट करने के लिए वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द यहाँ पे क्या चीज टेंजेंट, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें जो कि आर के इक्वल आना चाहिए, यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे और आपके पास एम की टू वैल्यूज आ जाती है, माइनस टू एंड एम इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एम की टू वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन नंबर वन में आपके पास टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी। थर्ड पार्ट बेटा बिल्कुल आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पार्ट वन कर चुके हैं, यानी आपके पास वही यहाँ पे सेंटर की जगह पे इक्वेशन जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो माइनस वन एंड टू आ रहा है, और रेडियस आपको गिवन है अंडर रूट 26, बाकी प्रोसीजर वही है जिस तरह आपने पहले टू पार्ट जो है वो कैलकुलेट किए हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 जो कि आपका 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास यही है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4, 5 टू द सर्कल, ये आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो जब भी आपको इस फॉर्म में दी हो तो आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तब आपके पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म बन गई। यहाँ से जी निकालें, एफ निकालें, सी निकालें, आपने फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आपने पी और क्यू की आपने असल में पॉइंट ऑफ आपके पास इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप कॉर्ड कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉरी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4, 5 से आपने इक्वेशन आपने निकालनी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4, 5, तो ये आपके पास ये टेंजेंट रहा जहाँ पे जिस पॉइंट पर हुई है पी और क्यू पे, इनकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये जी एफ और सी यानी सेंटर भी निकल आया, यहाँ से आप रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वन वाई वन है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स टू वाई टू है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप एक्स वन वाई वन यानी पी पे निकालेंगे तो आपने ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई पी पे, जहाँ पे आपने जी और एफ और सी की वैल्यूज पुट करके आपने ये निकाल ली, इसी तरह से ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी पे है, सिंस टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम 4, 5 देयर, तो आपके पास एक्स और वाई की जगह पे आपने 4 और 5 पुट करके, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास 1 में आपको फाइंड आउट होगी, जो कि सिर्फ एक्स वन वाई वन ये शो करता है कि पॉइंट पी पर है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू क्यू एंड 4, 5 आपके पास सिमिलरली ऐसी आ जाएगी, बिल्कुल देखे सेम इक्वेशन है, सिर्फ एक्स वन वाई वन की जगह पे एक्स टू वाई टू आ गया, इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ पॉइंट पी एंड क्यू लाइज ऑन द लाइन, सो क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस कॉर्ड पी क्यू पे लाई करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वन एक्स टू की जगह पे सिंपल एक्स और वाई वन वाई टू की जगह वाई 4x+16 y+35 = 0, सो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आपका 6.2 एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी 6.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और साथ उसके जो रिलेटेड उसके जो टॉपिक्स हैं उनको भी।